नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। महिला शिक्षक संघ की जिलाध्यक्ष शिखा मौर्य के नेतृत्व में जनपद आजमगढ़ के शिक्षक समुदाय द्वारा जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी को घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई हेतु ज्ञापन दिया गया। आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ आजमगढ़ के आह्वान पर कर्मठ और योग्य स्वर्गीय वृजराज पूर्व प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय पुष्पनगर शिक्षा क्षेत्र फूलपुर की असामयिक मृत्यु पर जिला विशेष शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर एक प्रार्थना सभा आयोजित की गई तथा घटना के विरोध में शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा कैंडल मार्च जिला विशेष शिक्षा अधिकारी कार्यालय से DM आवास तक किया गया। तत्पश्चात महिला शिक्षक संघ की जिलाध्यक्ष शिखा मौर्य के नेतृत्व में जनपद आजमगढ़ के शिक्षक समुदाय द्वारा जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी को घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई हेतु तथा विद्यालयों में अनाधिकृत तरीके से घुसकर शिक्षकों को मानसिक प्रताड़ना पहुंचाने वाले तथ्यों पर रोक लगाने हेतु एक ज्ञापन भी दिया गया। इस मौन प्रतिरोध कैंडल मार्च में भावना वर्मा, प्रतिभा श्रीवास्तव, अंशु अस्थाना, शालिनी राय, प्रज्ञा राय, स्नेहलता, प्रतिभा पाठक, सुमी अथर्व, अंजु राय, प्रमिला, सीमा गौतम, बिंदु गौतम, विजय पायलट, अरविंद राय, नवल किशोर, हरेंद्र यादव, सतंजय यादव सहित जनपद के सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाएं सम्मिलित हुई। ऑफिस से आ रहे हैं शिक्षक थे। जी सर,